हेलो फ्रेंड्स, हेलो मैडम। आज का अपना टॉपिक है पैरिटी चेकर। पैरिटी चेकर क्या है? तो अगेन इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक सर्किट विच कैन चेक द पैरिटी। पैरिटी चेक करना यानी क्या है? फॉर एग्जांपल मैंने अगर कुछ नंबर लिया 110, तो 110 में नंबर ऑफ वंस कितने हैं? तो 110 में नंबर ऑफ वंस है 2। तो 2 माने इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी, तो इट शोज दैट इट हैज़ अ इवन पैरिटी। लेट अस, एक मैंने नंबर लिया 100 में नंबर ऑफ वंस कितने? एक। वन यानी इवन नंबर है, ऑड नंबर तो ऑड नंबर। ऑड नंबर मीन इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी, दैट इज कॉल्ड एज ऑड पैरिटी। तो इन दैट वे ऐसा सर्किट जो अपने को पैरिटी कौन सी है वो डिफाइन करके बताएगा, उसको बोलेंगे अपन पैरिटी चेकर। ठीक है, क्वेश्चन पे आते। क्वेश्चन है, डिजाइन ए 9 व्हील ऑड पैरिटी चेकर यूजिंग 74180 आईसी। 74180 ये पैरिटी चेकर आईसी है, बट वो पैरिटी चेकर आईसी जो अपने को पास अवेलेबल है वो 8 इनपुट की है। बट अभी क्वेश्चन में अपने बोला है कि 9 बिट का ऑड पैरिटी चेकर बनाओ, इवन नहीं ऑड। स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि ऑड पैरिटी चेकर ही बनाओ। तो देखिए क्या किया है यहाँ पे 8 इनपुट तो ऑलरेडी पैरिटी चेकर को है, ये पैरिटी चेकर को 8 इनपुट है, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो 8 तो दे दिए। अभी चाहिए नवा वाला, तो नवा वाला कहाँ से लाएंगे? तो इसमें सिलेक्टिव पैरिटी चेकर बीट है। सिलेक्टिव पैरिटी चेकर यानी इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी सिलेक्टिव करने के लिए, कास्केडिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं नॉर्मली। तो कास्केडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो हमने क्या किया कि हमको ऑड पैरिटी चेकर चाहिए था, तो ऑड से निकाला नॉट गेट, वो कनेक्ट कर दिया इवन को। ऑड से कनेक्ट किया नॉट गेट और कर दिया इवन को। इन दैट वी कैन सिंपली डिजाइन 9 बिट ऑड पैरिटी चेकर बाय यूजिंग 74180। क्वेश्चन को उल्टा कीजिए। देखिए, डिजाइन 9 बिट इवेंट पैरिटी चेकर यूजिंग 74180। क्वेश्चन सेम है, 74180 यूज करना है, 9 बिट का ही करना है। बट पहले जो अपने को करना था वो ऑड पैरिटी के लिए करना था, अभी जो अपने को करना है वो इवन पैरिटी के लिए करना है। देखिए दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। तो यहाँ पे क्या किया कि पहले ऑड पैरिटी के लिए क्या किया था आपने, देखिए ऑब्जर्व कीजिए, ऑड पैरिटी के लिए क्या किया था, डायरेक्टली आई जो है वो ऑड कनेक्ट कर दिया और उससे एक नॉट गेट कनेक्ट करते इवन को दे दिया था। बट अभी इवन पैरिटी में क्या किया, इवन को आई दिया और नॉट गेट निकाल के ऑड को कनेक्ट कर दिया। यही इतना ही सिंपल चेंज है, बाकी के पूरा का पूरा सर्किट सेम है। और आपको जो आउटपुट मिलेगा अभी कौन सा वाला मिलेगा, इवन मिलेगा ऑड मिलेगा? इवन वाला। ऑड बिन यहाँ भी दो आउटपुट है, एक है इवन एक है ऑड। अगर इवन होगा तो इवन, ऑड होगा तो ऑड। इन दैट वी कैन डिजाइन अ 9 बिट इवन पैरिटी चेकर यूजिंग आईसी 74180। 6-7 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन आता है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आपको इजीली उसको समझ में आ सकता है। अगर पेपर में आपको आता है जिसको छोड़ना नहीं है, आपको उसको इजीली अटेम्प्ट करना है, अच्छे से ड्रॉ करना है। 74180 आईसी को यूज करना है, ये 8 पिन की 8 बिट की आईसी है। उसमें अपने को चेंजेस बताना है 9 बिट 7 बिट से। अभी देखो क्वेश्चन, देखिए, डिजाइन 7 बिट ऑड पैरिटी चेकर यूजिंग 74180 आईसी। 7 बिट का ऑड पैरिटी चेकर आईसी बनाना है यूजिंग 74180 आईसी। ठीक है, ड्रॉ किया 74180, बट अपने पास तो पिन 8 है, 8 पिन है ना, तो 8 में से अपन क्या करते हैं, जो आखिरी की पिन है उसको कर दिया ग्राउंड। बचे पिन कितने? 7, बन गया 7 बिट का। बट 7 बिट में भी कौन सा बोला है, ऑड वाला, इवन वाला बोला है क्या? नहीं, तो ऑड वाला बोला है, तो ये ऑड को कर दिया अपने ग्राउंड, इवन वाले को कर दिया वीसीसी। इवन को कर दिया वीसीसी, ऑड को कर दिया ग्राउंड, क्योंकि ऑड पैरिटी चेकर बोला है। अगर इवन पैरिटी बोला रहता तो इवन को कर देते ग्राउंड, इसको कर देते वीसीसी। लॉजिक वन एंड ऑड पैरिटी। इन दैट वी कैन सिंपली डिजाइन अ 7 बिट ऑड पैरिटी चेकर बाय यूजिंग 74180 आईसी। ओके, इस हिसाब से आपको कौन सा भी क्वेश्चन पैरिटी चेकर का आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। थैंक यू।